नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक और फूड स्टोरी के बारे में, और ये फूड स्टोरी है वो है हमारे मुंबई सिटी से। अगर आप मुंबई में हैं, यकीन मानिए आपने इनके प्रोडक्ट्स कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किए होंगे। आप इनकी शॉप्स में गए होंगे, इनके आउटलेट्स में गए होंगे, या फिर किसी दूसरे ने आपको आपके दिवाली पे, दशहरे पे, होली पे कभी ना कभी आपको गिफ्ट ज़रूर कर दिया होगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूसरों ने आपको गिफ्ट कर दिए होंगे। जी हाँ, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हैं, और हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई ओकेशन है। वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हमारी मिठाइयाँ और स्नैक्स। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जे जलेबी ब्रांड की। आपको यहाँ पर मैं लोगो भी दिखा दूंगा जे जलेबी का। अब आप देख के इस लोगो को समझ गए होंगे कि जी हाँ, आपने इनके प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ किए हैं। अगर आप इनके स्टोर्स पे कभी गए हैं या कभी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इनके स्टोर्स के। इनके लगभग 6 स्टोर्स इस समय में भी मुंबई में ऑपरेटेड हैं, और इनके जो करंट ऑनर है वो है आकिब शेख। मैं यहाँ फ़ोटो भी लगा दूंगा। बहुत ही यंग है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और होनहार हैं। इनका जो बिज़नेस है 40 साल पुराना है। ये तीसरी पीढ़ी हम लोग यहाँ पे हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनके दादा के द्वारा इस बिज़नेस को स्टार्ट किया गया था, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि एक बिज़नेस 40 साल से चलता आ रहा है तो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी ही A1 क्लास की होगी, उनके प्रोडक्ट्स कितने अच्छे होंगे, उनकी जो कस्टमर सर्विसेज होंगी वो कितनी ही बढ़िया होंगी, तभी वो लगातार आगे ग्रो करते जा रहे हैं। जो कि आप कह सकते हैं एक जो आने वाले स्टार्टअप्स के लिए, उन लोगों के लिए एक ये रोल मॉडल का काम कर सकते हैं कि भैया अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप चीज़ों को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो आपका बिज़नेस आगे धीरे धीरे ग्रो करता ही जाएगा। अगर आकिब की बात करें जो कि करंट ऑनर हैं, इसके तीसरी पीढ़ी हैं, उनकी स्कूलिंग की उन्होंने स्केड हार्ट मुंबई से अपनी जो स्कूलिंग ख़त्म करी है, उसके बाद उन्होंने BE इन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का की जो अपनी डिग्री की पढ़ाई करी है। ये पढ़े लिखे भी हैं, इनका फैमिली बिजनेस भी है। अब इन दोनों चीज़ों को इन्होंने कंबाइंड कर दिया है और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस आगे ग्रो हो ही रहा है। मेरे क्लाउड किचन कोर्स के ये इनरोल्ड मेंबर भी हैं, क्योंकि इनके कई सारे पिन पॉइंट्स या इनके पेन के पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने मुझे बताए, और मैंने इनकी यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश की। अब इनके जो पॉइंट्स, जो इनकी जो तकलीफें थी, जो कि इनकी जो बिज़नेस भी थी, मैं आपको वो इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि जब आप एक बड़ा स्टार्टअप करते हैं, जैसे कि इनका जो करंट सिचुएशन हम लोग बताएं, इनकी एक जगह पे इनकी सारी मिठाइयाँ और स्नैक्स बनती हैं, और वो अलग अलग शॉप्स में जो कि इनकी भी हैं और दूसरे लोगों को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पर जाती हैं। तो जब इनका एक हमारा इस तरीके का स्टार्टअप हो जहाँ पर हम लोग एक जगह बेस किचन में सामान बना के दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हमें कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो कि ये बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। पर इनकी जो तकलीफ़ें थी वो थी इनकी पीपल्स मैनेजमेंट में, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में, ये इनकी, और इनकी जो ये तीन मेन जो तकलीफ़ें थी इन्होंने मुझे बताई थी, जिनके के लिए इन्होंने मेरा कोर्स को इनरोल किया था। अब मैंने इनको काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे चीज़ें समझा दी हैं और इनकी उसमें काफ़ी हेल्प हो गई है, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो इनकी करंट प्लानिंग है, जो ये सोच रहे हैं, जैसे कि मेरी इनसे बात हुई कि ये मुंबई में और भी स्टोर्स को कवर करना चाहते हैं। इनके अपने स्टोर्स तो हैं ही, बाकी दूसरे स्टोर्स को भी अपना सामान बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये बल्क में सामान बनाते हैं और इनकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो कम पड़ती है। अगर आप सिंगल चीज़ें बनाते हैं आपको महंगी पड़ती हैं, अगर दूसरे कोई हलवाई लोग या शॉप्स वाले हैं, तो अगर लोग इनसे सामान भी लेंगे तो वो उनको सस्ते पड़ते हैं, और ये ही चाहते हैं कि लोग इनसे ही सामान लें, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है वो और ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़े। उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो अपनी मुंबई सिटी से बाहर निकलने की है। ये अपने ब्रांड को दूसरे सिटीज़ में भी, इंडिया की दूसरी सिटीज़ में भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। मेरी यहाँ पे पूरी दिल से उम्मीद मैं करता हूँ, मेरी पूरी दिल से इच्छा है कि इनका जो बिज़नेस है आगे और भी ग्रो करे, और इनकी जो यंग यंग सबसे यंग पीढ़ी है आकिब शेख, मेरे जो अब फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करे और वो दूसरों के लिए एज अ रोल मॉडल भी काम करे कि किस प्रकार से आप अपने फैमिली बिज़नेस को या किस प्रकार से एक स्टार्टअप को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से चला रहे हो और अपनी एजुकेशन के साथ आप उसे इन्वॉल्व कर देते हो, तो आपका बिज़नेस किस तरीके से आगे ग्रो करता है। स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आप यहां से कुछ सीख पाए होंगे कि अगर आप एक बल्क में कहीं पे काम करते हैं तो किस तरीके से आपको चीज़ों को संभालना है, अपने लोगों को, अपने सामानों को, अपने एक्सपेंसेस को।
इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो क्लाउड किचन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के फूड बिजनेस से रिलेटेड, तो नीचे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।